हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो हम लोगों ने एक स्पिनिंग फ्लो चार्ट के बारे में बात किया था, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन ऐसे एब्रीवेशन जो मार्केट के अंदर यूज होते हैं व्हेन यू गो टू परचेस अ यार्न। तो आइए स्ट्रेट देखते हैं कि ये टर्म्स क्या होते हैं और कैसे इजिली आप समझ सकते हैं प्रोसेस के हिसाब से। हमने लास्ट टाइम बात की थी एक प्रोसेस फ्लो के बारे में। तो हमने मशीन देखी थी स्पिनिंग की, जैसे ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम, और यहां पर बीच में अगर आप देखें तो कोम्बर यहां पर हम लगा देते हैं। ओके, तो अगर आप यार्न परचेस करने जाएंगे तो आपको, फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, स्पीड फ्रेम और रिंग फ्रेम, अगर आपका मटेरियल इससे जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा KW। ओके, दैट मीन्स कार्डेड वीविंग यार्न। अगर आपने उसमें कोम्बर भी यूज कर लिया, तो वो हो जाएगा CW यार्न, कोम्ड वीविंग यार्न। ओके, उसके बाद लास्ट में एक अटैचमेंट होता है। लास्ट में जो रिंग फ्रेम मशीन यहां पर होता है, रिंग फ्रेम मशीन के ऊपर एक अटैचमेंट होता है जिसको कहते हैं हम कॉम्पैक्ट अटैचमेंट। वो कॉम्पैक्ट अटैचमेंट का काम ये होता है, जब यार्न को ट्विस्ट दिया जाता है तो जितने भी आउटर लेयर जो हेरीनेस होती है फाइबर की, विद दैट कॉम्पैक्ट अटैचमेंट वो जो है हेरीनेस कम करता है, यार्न को बहुत कॉम्पैक्टली बाइंड करता है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यार्न वो प्रोड्यूस करता है। तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जो है उसका एक एडिशनल कॉस्ट होता है स्पिनिंग के अंदर, इसलिए ये यार्न थोड़े महंगे होते हैं। तो अगर आप कार्डेड मशीन यूज कर रहे हैं बट कोम्बर यूज नहीं कर रहे, और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट आप अगर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सो डैट विल बिकम अ KWC, कार्डेड वीविंग कॉम्पैक्ट यार्न। और इसी के जगह आप ब्लोरूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, कोम्बर भी यूज कर रहे हैं और कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट भी आप लगा रहे हैं, तो वो हो जाएगा CWC, कोम्ड कॉम्पैक्ट वीविंग यार्न। अब आपने एक चीज यहां पर देखी होगी कि जब भी मैंने यहां पर चीजें लिखी है उसमें मैंने W लिखा हुआ है, दैट मींस ये जितना भी धागा है। तो जब भी आप धागा खरीदने जाएंगे या किसी को आप बोलेंगे कि मुझे ये धागा चाहिए, तो वो आपको एक क्रॉस क्वेश्चन करेगा। अगर आपने किसी को कहा कि मुझे कार्डेड यार्न चाहिए, तो वो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये करेगा, आपको कार्डेड यार्न वीविंग के लिए चाहिए या नीटिंग के लिए चाहिए, बिकॉज होजियरी के लिए अलग होता है यार्न और वीविंग के लिए अलग होता है। सो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, अगर मुझे होजियरी के लिए अब यार्न चाहिए तो मैं होजियरी के यार्न को कैसे बोलूंगा? प्रोसेस तो सेम रहेगा, मशीनरी भी सेम रहेगी और यहीं पे बनेगा वो होजियरी का यार्न। तो आपको क्या करना है, ये जो भी W है, जितने भी वीविंग के W है उसको आपको H से रिप्लेस कर देना है, एज इजी एज दैट फॉर होजियरी यार्न। सो ये आपका हो जाएगा KH CH, KCH and CCH। ओके, तो ये आपका हो गया कार्डेड होजियरी यार्न। ओके, कोम्ड होजियरी यार्न, कार्डेड कॉम्पैक्ट होजियरी यार्न, एंड इन द सेम वे कोम्ड कॉम्पैक्ट होजियरी यार्न। सो इस तरीके से कुछ जो है मार्केट्स के अंदर टर्म यूज होते हैं। तो कोई भी आपको बोलेगा कि आई नीड 60 CWC या 61 CWC या 41 CWC, समवन विल से कि आई नीड 30 KH, 31 KH, तो उस समय आपको याद रखना है कि अगर वो के डब्ल्यू बोल रहे हैं तो कार्डेड वीविंग मांग रहे हैं, या डब्ल्यू जहां पर भी लगा हुआ है वो आपको वीविंग का यार्न मांग रहे हैं, और जहां पर भी एच लगा हुआ है दैट मीन्स दे नीड द यार्न फॉर द होजियरी पर्पज। सो दिस इज हाउ, लाइक दिस आर द फ्यू कॉमन एब्रिवेशन दैट यूज इन द यार्न इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच, एंड डू कॉमेंट अगर आपको कुछ क्वेरी रहा तो आई विल डेफिनेटली चेक द कॉमेंट एंड ट्राई टू रिप्लाई बैक ऑन दैट। थैंक यू सो मच।